गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध फंक्शनल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत आज अपना टॉपिक रहेगा मानव संसाधन नियोजन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एचआरपी, एचआरपी मींस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और एचआरपी की विशेषताएं, ये दो चीज़ों का अपन आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले भूमिका के रूप में अपन चर्चा करते हैं कि प्रत्येक संस्था में मानव संसाधन एक अनिवार्य आवश्यकता मानी गई है। कोई भी संस्था हो उसमें ह्यूमन रिसोर्स को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में माना गया है। यह आवश्यकता संस्था के प्रारंभ करते समय ही उत्पन्न नहीं होती है, अपितु संस्था के विकास एवं विस्तार के साथ निरंतर रूप से जन्म लेती रहती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी नई संस्था अगर स्थापित करें उसी समय केवल मानव संसाधन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, बल्कि संस्था जो भी जो जो विकास एवं विस्तार होता है क्यों क्यों निरंतर मानव संसाधन की आवश्यकता महसूस होती रहती है। इसके लिए कर्मचारियों के संबंध में कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जबकि वह सही मानव संसाधन सही समय पर उपलब्ध हो। सही मानव संसाधन सही समय पर उपलब्ध अगर अपने को करना है तो उसके लिए मानव संसाधन नियोजन आवश्यक है। सही समय पर सही प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक व्यवस्थित प्रयास माना गया है। मानव संसाधन नियोजन एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से अपन किसी संस्था में सही समय पर सही प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसके अर्थ में सिंपल और सरल शब्दों में इसका अर्थ अपन ये कह सकते हैं, सामान्य शब्दों में मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था में कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा आवश्यक संख्या में सही प्रकार के व्यक्ति की सही समय पर उपलब्ध करने की योजना बनाई जाती है। मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत सरल शब्दों में ये बताया गया है कि अगर आपको सही समय पर सही योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है एवं उसी के आधार पर भविष्य में निरंतर कर्मचारियों की सही योग्यता वाले कर्मचारियों की आपूर्ति बनी रहती है। इसके बाद विभिन्न विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी गई है, उनमें से एक विद्वान की डेफिनेशन अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। उन्होंने मानव संसाधन नियोजन को बहुत ही अच्छे तरीके से दो चरणों में इसकी परिभाषा को विभक्त करके समझाया गया है। उनका नाम है गॉर्डन मैथबीट। उन्होंने कहा है कि मानव संसाधन नियोजन में दो चरण सम्मिलित होते हैं। प्रथम चरण में मानव शक्ति की आवश्यकताओं का नियोजन तथा द्वितीय चरण में मानव संसाधन की आपूर्ति का नियोजन शामिल रहता है। निश्चित रूप से ये सही बात है कि मानव संसाधन नियोजन दो चरणों में विभक्त हो सकता है। प्रथम चरण में मैन पावर की आवश्यकताओं का नियोजन किया जाता है तथा सेकंड चरण में मानव संसाधन की आपूर्ति का नियोजन किया जाता है। विभिन्न विद्वानों की डेफिनेशन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में अपन यह बता सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था की भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक सुयोग्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी भविष्य में निर्धारित समय एवं स्थान पर उपलब्ध हो जाएं। इसी परिभाषाओं के आधार पर अपन
मानव संसाधन नियोजन की विशेषता या प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। विशेषताओं एवं प्रकृति के अंतर्गत अपन सबसे पहली विशेषता अपन ये बता सकते हैं कि कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का अनुमान। मानव संसाधन नियोजन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संस्था में कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जाता है। दूसरी विशेषता है आवश्यकता एवं पूर्ति में संतुलन। मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की भावी आवश्यकता तथा भावी आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है कि भविष्य में आपको कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और कितने कर्मचारी किस स्रोत से आप किस योग्यता वाले अपनी संस्था में उनकी आपूर्ति कर सकेंगे। तीसरी विशेषता कर्मचारियों की संख्या तथा योग्यताओं का निर्धारण करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या तथा योग्यता दोनों का ही निर्धारण किया जाता है। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि किन किन योग्यताओं से युक्त कितने कर्मचारियों की भविष्य में आवश्यकता होगी। अगली विशेषता है सही स्थान पर सही व्यक्ति की नियुक्ति होना। मानव संसाधन नियोजन का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि सही स्थान पर सही समय पर सही व्यक्ति की उपलब्धि सुनिश्चित हो सके। अगली विशेषता आंतरिक क्रियाओं एवं बाह्य वातावरण पर आधारित। मानव संसाधन नियोजन है वह संस्था की आंतरिक क्रियाओं पर अर्थात संस्था के आंतरिक आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखा ही जाता है, इसके अतिरिक्त संस्था के बाह्य वातावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मानव संसाधन नियोजन किया जाता है। जिन क्रियाओं को जिस वातावरण में पूरा करना है उसके लिए आवश्यक एवं उपयोगी व्यक्तियों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करना ही सही मानव संसाधन नियोजन है। अगली विशेषता है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक पहलू। मानव संसाधन नियोजन के दो प्रमुख पहलू माने जाते हैं। पहला पहलू गुणात्मक पहलू जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। दूसरा पहलू परिमाणात्मक पहलू जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत मूल रूप से दो पहलू होते हैं। पहला पहलू गुणात्मक पहलू जिसके अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। दूसरा पहलू परिमाणात्मक पहलू जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। अगली विशेषता व्यापक व्यू रचना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को व्यापक व्यू रचना के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा संस्था में कर्मचारियों को दीर्घकालीन भावी आवश्यकता की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि लंबे समय में दीर्घकाल तक संस्था में भावी कर्मचारियों की आवश्यकता एवं उनकी आपूर्ति किस प्रकार से होगी यह सुनिश्चित किया जाता है। अतः इसमें कर्मचारियों की प्राप्ति, कर्मचारियों का विकास एवं अनुरक्षण हेतु नीतियों, नियमों, कार्यक्रमों आदि का निर्धारण भी सम्मिलित किया जाता है। अगली विशेषता विद्यमान संसाधनों की पहचान करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत संस्था में कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों जो कार्यरत हैं उनकी भी पहचान की जाती है। अर्थात मानव संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में आवश्यकता को निर्धारित करते समय संस्था में विद्यमान मानव संसाधन को भी ध्यान में रखा जाता है। इस क्रम प्रक्रिया में नए कर्मचारियों की प्राप्ति से पूर्व संस्था में उपलब्ध उन कर्मचारियों पर भी विचार किया जाता है जिनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता है। अर्थात वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं क्या उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है
क्या उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्या उन्हें विकास की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वर्तमान मानव संसाधन जो कार्यरत है संस्था में उनको भी अपन आगे प्रशिक्षित करके कर्मचारियों की आपूर्ति कर सकते हैं। अगली विशेषता है, यह निगमीय नियोजन का महत्वपूर्ण अंग है। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के नियोजन का ही एक अभिन्न अंग माना जाता है। मानव संसाधन नियोजन के बिना संस्था का नियोजन, जो ओवरऑल पूर्ण संस्था का नियोजन होता है, वह अधूरा माना जाता है। अगली विशेषता है, संस्था के नियोजन का पूरक होना। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के सामान्य नियोजन का एक पूरक है, अर्थात मानव संसाधन नियोजन को संस्था के नियोजन का पूरक माना जाता है। इसके द्वारा समग्र संस्था के नियोजन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारियों को उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यह संस्था के नियोजन की सफलता में योगदान देता है। अगली और लास्ट विशेषता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस, अर्थात निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया माना जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में निरंतर चलती रहती है। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। संस्था के विकास एवं विस्तार के कारण, कर्मचारियों को छोड़कर चले जाने के कारण, या उन्हें निकाल दिए जाने के कारण, या तकनीकी परिवर्तन के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, उसी कारण से मानव संसाधन नियोजन संस्था में सदैव निरंतर जारी रहता है। धन्यवाद।